मेरिट के हम सभी साथी आज सचिवालय में मिलने गए वास्तविकता का पता लगाने कि आखिर क्या चल रहा है। तो वहाँ घटना घटा, अपर मुख्य सचिव से मिलना हुआ, निदेशक माध्यमिक शिक्षा से मिलना हुआ, सचिव शिक्षा विभाग से मिलना हुआ और साथ में नीरज कुमार से भी मिलना हुआ, शिक्षा सुधार वाले नीरज बाबू। हम तो आपके लिए गलत भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, आप हमारे लिए करिए, आपकी वास्तविकता को बताऊंगा वही बहुत है नीरज बाबू आपके लिए। खैर, बात बिंदु की। मेरे साथियों, सबसे पहला मैं एक बात बता देना चाहता हूं, अगर आप मेरिट के लिए नहीं लड़े ना तो मेरिट नेशनाबूत हो जाएगा। अगर आप मेरिट के लिए नहीं लड़े ना तो मेरिट का अंत हो जाएगा। अगर आप मेरिट के लिए नहीं लड़े ना तो मेरिट का नाम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये बात आप याद कर लेना। ये वक्त है संघर्ष का, ये वक्त है लड़ने का और ये वक्त है जीतने का। मेरे साथियों, मैं अक्सर कहा करता हूं किसी व्यक्ति की जो पहचान होती है उसके व्यक्तित्व से होती है और किसी समुदाय की पहचान उसकी शक्ति से होती है। तो मेरे साथियों, अगर 30,675 मेरिट के अभ्यर्थी अपना ताकत का प्रदर्शन नहीं करेंगे तो ये बात आप समझ लेना, मेरिट की कभी जीत नहीं हो सकती। सबके मन में नकारात्मक है, मेरिट की हार तय है अगर आप नहीं लड़े तो। अब अगर लड़ गए ना तो कोई माई कलाल पैदा नहीं लिया जो मेरिट को पराजित कर दे, छाती पर चढ़ के झंडा गाड़ देंगे किसी का भी, इतनी कुव्वत है हम लोगों में। तो दो बातें, अगर आप नहीं लड़े तो मेरिट का अंत होने जा रहा है और अगर लड़ गए तो इस दुनिया में कोई माई कलाल पैदा नहीं लिया जो मेरिट को पराजित कर दे। अब तय आपको करना है कि लड़ना है कि छोड़ना है। अगर छोड़ दोगे तो मेरिट का अंत हो जाएगा, आपका अंत हो जाएगा, भविष्य खत्म हो जाएगा, ये राज्य का व्यवस्था खत्म हो जाएगा। और अगर लड़ गए ना तो जीत हमारी होगी, जीत हमारी होगी, कोई हमें पराजित कर ही नहीं सकता। और इसी के सिलसिले में मेरे कई साथी आलोक यादव, गौतम यादव, सौरव भाई मेरे, आशीष यादव, राजीव जी, अर्जुन भाई, दीपक जी, ये सब मेरे कई साथी थे, केन गोस्वामी सर थे, ये सब थे और मेरे कई साथी हैं, सबका नाम लेना संभव नहीं है, बहुत लोग थे हम लोग। बस इतना समझ लीजिए कि हम लोग इतने लोग आज सचिवालय में गए थे कि नॉट मेरिट आंदोलन करता है तो उतना ही भीड़ आता है गर्दनी बाग में, उतना तो हम लोग सचिवालय में जाते हैं, ये हमारी हैसियत है और ये हमारी ताकत है मेरे साथियों। खैर, बात बिंदु की। सचिवालय आपके खिलाफ, सिस्टम मेरिट के खिलाफ, लेकिन जवाब नहीं उनके पास। मेरिट के खिलाफ अगर बोल देगा ना तो उसकी इज्जत लूट लेंगे हम लोग, इतनी ताकत है हम लोगों में, इतनी सच्चाई का रास्ता है हम लोगों में। मेरे साथियों, अगर आप लड़ोगे ना, आप आवाज उठाओगे ना, तो किसी की कुव्वत और हैसियत नहीं है जो मेरिट के खिलाफ निर्णय ले ले। लेकिन नहीं लड़ोगे तो फायदा उठा लेगा मजबूरी का। तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, आमरण अनशन के लिए तैयार हो जाओ। हम सभी साथी मिलकर के, मेरिट का कोई भी साथी अलग नहीं होगा, हम सभी 30,675 मेरिटधारी अभ्यर्थी और वो लोग जो मेरिट का समर्थन करते हैं, विज्ञापन का समर्थन करते हैं, एसटीईटी मार्क्स का समर्थन करते हैं, वो मेरे साथ आइए, हम मेरिटधारियों के साथ आइए और मिलकर के आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, पद यात्रा करेंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। जान की बाजी लगा दूंगा लेकिन कभी हार मंजूर नहीं करूंगा, ये बात याद करना। मेरे मेरिटधारी साथियों, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जान की बाजी लगा दूंगा मेरिट की रक्षा के लिए, बस आप मेरा साथ तो दो, हिला देंगे। कोई माई कलर पैदा नहीं लिया जो मेरिट को पराजित कर दे, ये बात आप याद कर लेना। संघर्ष करो, लड़ो, जीतो, साथ रहो, बस। और एक बात और, आंदोलन कभी पैसे के बलबूते नहीं होती, आंदोलन जब भी लड़ा जाता है जन समर्थन और जन सैलाब से लड़ा जाता है, तो आंदोलन पैसे के लिए नहीं लड़े जाते। तो ये मेरा हो गया मेरिट के बारे में, विज्ञापन के बारे में, अपर मुख्य सचिव साहब के विचार, उनको कुछ पता नहीं है और सारे लोग उनको मिसगाइड करने पर तुले हुए हैं। हम इसके बारे में विस्तार से और बताएंगे और मेरे एक साथी हैं वो भी बात करेंगे। और बात कर लेते हैं नीरज कुमार का, शिक्षा सुधार वाले नीरज जी आए हुए थे,
तो हम लोगों ने वहाँ स्पष्ट रूप से अपर मुख्य सचिव साहब को बता दिया कि ये गलत आदमी है, ये किसी स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेटिव और प्रतिनिधि नहीं है, ये दलाली टाइप का आदमी है, दलाली करता है केवल शिक्षा विभाग में आकर के, ये बहाली फंसाता है, केस करता है गलत सलत, और मेरिट को और नॉट मेरिट को किसी को भी, ये सबका दुश्मन है, ये शत्रु है, शिक्षा का ही दुश्मन है। और इस जब हम लोगों ने आवाज उठाया तो उनको भगा दिया गया, शिक्षा विभाग से ही बाहर कर दिया गया। और वो गौतम जी का नाम, आलोक जी का नाम तो ले ही रहे, मेरा नाम भी ले रहे हैं और मेरा नाम गलत दे रहे हैं। मेरा नाम अनिल यादव नहीं है नीरज बाबू, मेरा नाम अनिल कुमार है। मैंने हमेशा जात पात का विरोध किया है, और एक ऐसा सेकुलर आदमी जो जाति का विरोध हो, जात पात का विरोध करता हो, कभी नाम अनिल यादव नहीं लिख सकता। पता नहीं आपको कहां से मिल गया, कहां से पता चल गया मेरी जाति का, मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं बिहारी हूं, मेरिट में हूं, 30,675 मेरे भाई हैं, चाहे वो किसी जाति और किसी धर्म के हों, वो मेरे भाई हैं, मेरे जिगर के टुकड़े हैं, और उनके लिए मैं जान की बाजी लगा दूंगा, जान की बाजी लगा दूंगा, अगर जरूरत पड़ेगा तो वास्तव में प्राण का त्याग कर दूंगा, लेकिन कभी मेरिट के साथ समझौता नहीं करूंगा, ये बात याद करना। तो मेरा नाम बढ़िया से लिया करिए, आप तो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं हम लोग के बारे में, मेरे बारे में, लेकिन मैं कभी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। आप दिन दूना रात चौगुना बढ़ें, लेकिन भगवान आपको सुबुद्धि दे, आप बिहार के हित के लिए, मेरिट के हित के लिए काम करें, आप नया नया सगुफा मत छोड़ें, कुछ पैसे के खातिर अपने अमीर और जमीर को मत बेचे, ईमान और जमीर को मत बेचिए। और अब मेरे साथी हैं सौरभ जी, और वो आपसे विस्तार से बात करेंगे। आइए सौरभ भाई, बात करिए। नमस्कार साथियों, देखिए अभी जो वार्तालाप हुई हम लोगों की, जो गए सचिवालय गए आज अनिल जी जो आप लोगों को बताए हैं, ये 100% सत्य है कि जो डिपार्टमेंट है, सचिवालय है या मंत्री जी हैं, सारे लोग हम लोगों के खिलाफ चल रहे हैं और गलत निर्णय ले रहे हैं। हम लोग जब अपना बात रखते हैं तो उसको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, इसीलिए हम लोगों को अब आगे की जो भी रणनीति होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को एक भव्य आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन करना होगा। जैसे हम लोग 125 और 628 वाले जो अभी कर रहे हैं पटना में, आप लोग देख रहे हैं, और इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे तभी हम लोगों को जीत मिलेगी, नहीं तो आप ये समझ जाइए कि मेरिट की हार तय है। क्योंकि हम लोग अभी जो देख रहे हैं, लगभग 10 दिनों से हम लोग प्रत्येक दिन मंत्री हो या सचिवालय हो, जहाँ भी जा रहे हैं हर जगह निगेटिव ही निगेटिव हम लोगों को मिल रहा है, और कोर्ट का भी डिसीजन आप लोग देख ही लिए हैं कि क्या चल रहा है। इसीलिए आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि आगे जो भी मैट का जो आंदोलन होगा आपको डेट बता दिया जाएगा, और मैट के आंदोलन में सभी लोग फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप लोग ये समझ जाइए कि शिक्षक बनना अब मतलब अंधकार में दिख रहा है हम लोगों के, क्योंकि कोई भी ना सरकार हम लोगों के साथ है, ना सचिवालय हम लोगों के साथ है, ना कोर्ट हम लोगों के साथ है, तो अब कुछ बचा नहीं है खोने के लिए। इसीलिए हम यही विनती करते हैं कि सभी लोग मैट को, ये जितने भी 30,675 साथी हैं, वो जब भी आंदोलन होगा आप लोग पटना पहुंचिए, ठीक है। इस बार का जो आंदोलन होगा व्यापक होगा, एक दिवसीय तो होने नहीं जा रहा है, कम से कम 7 दिवसीय आंदोलन होगा, और सब लोग अभी से माइंड प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि ये ना लगे कि पहले से हमको ये काम है इस कारण हम लोग नहीं आ पाए हैं। इसलिए पहले आपको मैं आगाह कर देना चाहता हूँ कि इस बार का जो आंदोलन होगा, भूख हड़ताल होगा, पदयात्रा होगा, अभी विचार इस पर चल रही है, जो भी डिसीजन होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। इसीलिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आगे जो भी चीज़ होगी आप लोग जुड़े रहें और धैर्य बना के रखें। देखिए सत्य की हमेशा जीत होती है और सत्य हमेशा जीतेगा, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। जब तक संघर्ष नहीं कीजिएगा तब तक हम लोगों के पक्ष में अभी कोई भी डिसीजन हर जगह से निगेटिव ही निगेटिव आ रहा है। इसीलिए अब आगे जो भी रणनीति होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा, और वैसे भी नेक्स्ट जो संडे आने वाले हैं अभी परसों, उसमें एक फिजिकल मीटिंग रखा गया है, और फिजिकल मीटिंग में सभी साथी जो पटना के आसपास हैं वो सब लोग पहुँचे,
और उसमें भागीदारी निभाएं, और जो भी जिसको भी जो काम सौंपा जाएगा उस काम को आगे बढ़ाएं। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, शानदार बोला मेरे भाई ने। तो मीटिंग संडे को हम लोगों ने तय किया है, बताए भी आपको, गौतम भाई भी बताए दिए, सब लोग मिल करके हम लोग मीटिंग करेंगे और तय करेंगे। मेरिट में एकजुट रहेगा, मेरिट में कोई फूट नहीं होगा, बस अनिल की जिंदगी चली जाए, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरिट एकजुट रहेगा, मेरिट में टूट मंजूर नहीं होगा। मेरे सभी मेरिट धारियों से मेरा निवेदन है कि मेरे साथियों मुझे 10 गाली दे देना, लेकिन मेरिट में कभी टूट मत होने देना, टूट मत होने देना। मैं हमेशा मेरिट के लिए काम किया हूँ, मेरिट के लिए काम करता रहूँगा और जान की बाजी लगा दूंगा। मैंने तो यहाँ तक कहा है यार कि अगर ज़रूरत पड़ा तो एक अनिल इस दुनिया से चला जाएगा, कम से कम बिहार को 30,674 अनिल तो मिलेगा, एक विद्वान जाएगा इस दुनिया से, 30,674 लोग तो मिलेंगे, सुयोग्य टीचर, योग्य टीचर, विद्वान टीचर मिलेंगे। जरूरत पड़ेगा तो जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन हार मंजूर नहीं करूंगा और बिहार के 3800 जिलों में घूमूंगा, संगठन को मजबूत करूंगा और सरकार के खिलाफ बगावत होगा और जंगे ऐलान होगा, रिवोल्यूशन होगा, एक ऐसा रिवोल्यूशन का शुरुआत होगा। 19 लाख का वादा भी मेरे एजेंडे में है। सरकार के सारे कुकर्मों को खोल दूंगा। मेरे साथियों, मेरे मैसेज को हर जन पहुंचाना है, सभी मेरिट साथियों तक पहुंचाना है, जितना हो सकता है पहुंचाइए और मेरिट आंदोलन को मजबूत करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद साथियों।